हेलोस किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्याज की सब्जी। प्याज जो कि नॉर्मल हमारे घर में अवेलेबल होती है, मैं हरी प्याज की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं उस प्याज की बात कर रही हूँ। तो चलिए एक सिंपल सी प्याज को एक स्पेशल रूप देते हैं, जिसे खा करके आप पनीर की सब्जी भी भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज चाहिए। मैंने चार बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं और चार टुकड़ों में कट करके उसकी लेयर्स निकाल ली है। एक पैन में हम लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। और इसे हम भून लेंगे, ये हाई फ्लेम में ही पक जाएगी। इसे हमें ट्रांसपेरेंट करना है, ब्राउन, डार्क ब्राउन या गोल्डन कुछ भी नहीं, बस ये ऐसी ट्रांसपेरेंट से दिखने लगेगी। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे हम एक निकाल करके रख देते हैं ताकि ये थोड़ी ठंडी होती रहे। उसके बाद में एक कप दही ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी, उसके बाद एक टीस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। और ये जो मिक्सचर है इसे अच्छे से हम मिक्स करके इसका थिक पेस्ट बना करके रेडी करेंगे। याद रहे जब आप दही ले तो वो दही नॉर्मल होना चाहिए, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। और तुरंत फ्रिज का निकाला हुआ दही ना यूज़ करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दही रहे। ये देखिए इस तरह से इसका मसाला बन करके तैयार हो गया। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं। फिर से मैंने सेम कुकिंग पैन लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल गरम होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम कोर्सली ग्राइंड किया हुआ प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज। कोर्सली इसलिए कि इसमें हमें पेस्ट यूज़ नहीं करना है। अगर आपको मेहनत ज़्यादा लग रही है और आप चाहते हैं तो कि पेस्ट यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा महीन मत कीजिएगा। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा और ये गोल्डन हो चुका है इसका जो कलर है। अब इसमें एक स्पून हम ऐड कर देंगे जो नॉर्मल हमारा खाने का चम्मच होता है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो भी मैंने कद्दूकस करके लिया है, या तो आप उसे कूट करके ले फ्रेश। ये सब्ज़ी तभी बहुत टेस्टी बनेगी, आप इसे ऐसे ही बनाइएगा। उसके बाद में इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसकी प्यूरी हम बना करके ले लेंगे और अच्छा पकने देंगे जब तक कि तेल इससे अलग ना होने लगे। इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। सब्ज़ी जब भी कोई बनाए तो उसमें मसाला पकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2 ड्राई चिली ऐड करेंगे, ये इसलिए कि जब आप ये सब्ज़ी खाएँगे और बीच में ये आएगी तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 2 टीस्पून, यानी अच्छा आप लेकर के ऊपर से ऐड कर दीजिए, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से बक गया है, इसमें तेल जो है अलग हो चुका है मसाले से। अब इसमें जो हमने दही का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यूएशन में चलाएंगे ताकि जो मसाला है वो फटे नहीं, दही ना फटे, वरना ग्रेवी देखने में अच्छी नहीं लगेगी और अजीब सी दिखेगी। इसलिए कंटिन्यूएशन में इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। ये देखिए, और इससे भी हमें ऑयल को अलग करना है, इसे हमें तब तक पकाना है। तो देखिएगा ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा पकाते पकाते और बहुत अच्छी ग्रेवी निकल कर के आएगी। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। इसमें देखिए आपको तेल जो है, कुकिंग ऑयल जो हमारा हमने डाला था वो सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से पक गई है। इसी तरह से हमें इसे पकाना है, अच्छे से भूनना है ताकि
उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और ये आएगा अगर आप इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। तो अब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा मैंने हरी मिर्च कहीं भी ऐड नहीं की, आप चाहें तो हरी मिर्च पीस करके ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने तीखी वाली ये जो चिली फ्लेक्स है वो ऐड किया है। मसाला पक चुका है, अब इसमें जो पके हुए हमारे प्याज थे वो हम ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और एकदम पक कर के रेडी है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करेंगे। तो इसमें हम पहले नमक ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे क्योंकि काफ़ी थिक है ये। जिस पे मैंने दही घोला था मसाला उसी पे मैंने एक कटोरी पूरा ले लिया है पानी और लगभग ये 2 कप पानी है और उसको ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे क्योंकि ये जो मसाला है वो प्याज के साथ पकना ज़रूरी है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप थिक हो जाएगी। इसकी थिकनेस भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी थिक ग्रेवी में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम ढक्कन ढक देंगे और धीमी आँच पर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद में हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी आपकी ऐसी निकल करके आएगी, इतनी अच्छी लगेगी कि आपको लगेगा अभी तुरंत खा ली। ये नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।